सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। नोनी भैया बोले बिना नहीं रह सकते, इसलिए इसने शुरुआत कर दिया वीडियो की। तो आज हम जा रहे हैं गांव, और वो तो होता ही है, जैसे एज यूजुअल हम लेट होते हैं और गाड़ी में बैठते ही खाना शुरू कर देते हैं। फ्रेंच फ्राइज बना के लेके आए थे, अभी नहीं खाती हूँ। और दोस्तों भी तो हम बेर लेके भी खा लेंगे, पापा हमें दिलवा देंगे। हाँ, पापा भी दिलवा देंगे और ये बेर खा लेंगे। ये पापा देखो, बोलो हेलो। चलो जैसे जो हम करते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, वो आपको दिखाते रहेंगे। और गांव में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे वो भी दिखा देंगे। कुरकुरे और चिप्स तो खत्म हो चुके हैं। नन्हे को कमेंट जरूर करना। चिप्स कुरकुरे खत्म हो चुके हैं, आलू आधा खत्म हो चुके हैं, फ्रेंच फ्राई एक डब्बा खत्म हो चुका है। अभी 10-15 मिनट हुए गाड़ी में बैठे, और अभी 2 घंटे 2.25 घंटे का सफर है। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं ये गाड़ी में बैठे बैठे। मम्मी पूरे बड़े निपटा चुकी है। सारी प्लेन निपटा चुकी है दोस्तों। आ गए हैं रोहतक के बाजार में। ये रोहतक का कुछ ऐसा नजारा है, गाड़ी के अंदर बैठ के ही मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत भीड़ है। हाँ, हम नोनी के लिए कपड़े ढूंढ रहे हैं, उधर मिले नहीं तो अब हम दूसरी जगह दूसरी दुकान पे जा रहे हैं। मतलब आए थे दोस्तों बाजार में, लेकिन यहाँ देवांश के साइज के कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं। अब हम जाएंगे दूसरी जगह। आगे बताया रोहतक की मार्केट का हमें पता नहीं है, क्योंकि हम कभी आते नहीं हैं और खरीदे नहीं हैं कपड़े रोहतक से। आज पहली बार ही आई थी, देखते हैं आगे। भैया ने बताई है एक जगह, वहाँ चले जाओ। हमें बताया था दोस्तों किला रोड पर, अब हम आ गए हैं यहाँ पे। ये महाराजा अग्रसेन चौक है, पता नहीं जो जहाँ बता रहा वहीं हम मुड़ रहे हैं। समझ से में तो हमें भी नहीं आ रहा, समझ से बाहर है ये शिव निस्थान भंडार वगैरह कोने पे। हाँ उधर है, पता नहीं किधर है, अभी देखेंगे। हाँ देखो भाई, अभी पूछा है, एक आंटी बैठी थी उनसे, वो कह रही है कि आगे मिल जाएंगे किला रोड पे। किला रोड ही नहीं हमें मिल रहा है, किला रोड मिल गया तो कपड़े भी मिल ही जाएंगे। है हाँ, किला रोड मिलना जरूरी है। कमेंट करना कौन कौन रोहतक से कपड़े खरीदता है, कौन किला रोड पे गया है। दोस्तों कपड़े लगाए बाद में, ये आपने बड़े बटरे बिक रहे हैं, ये छोले समोसे ब्लड पेटी जे आदमी को। भाई इस आदमी का तो बुरा ही हाल है, क्या ही बताई। फ्रेंच फ्राई खा लिए, हलवा खा लिया, चिप्स कुरकुरे खा लिए, अभी आदमी को आगे करना है। तो हम यहाँ रुके थे रात को अपने मामा के घर, और अभी हम यहाँ से चलने की तैयारी में। ये देखो ये भैंसे, और गाड़ी पे इतनी ओस जम गई है पूरी रात में, बहुत ठंडा है यहाँ पे, मतलब वहाँ के मुकाबले। ये हमारे मामा का घर। ये यहाँ पे मंदिर है। तो अब हम जा रहे हैं वापस। ये रुको रुको, आपका आपका पूरा फाइनल लुक दिखाते हैं। वेरी गुड प्रिंसेस, माय ब्यूटीफुल लिल प्रिंसेस। कैसे पाइप से लत चढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी फसलों को बचा रहे हैं, फसलों के ऊपर चढ़ा रखी है। अच्छा मैंने ठंड नहीं ज्यादा थी। हां टाइम। अच्छा उगे नहीं तो अभी अपन नहीं लगा के उगा रहे हो। हाँ ठंड के मारे की ठंड ना लगे पौधों के, जले वो खराब ना हो, तो उस वजह से ये लगा रहे हो।
अच्छा, मतलब जो सब्जी उगाते हैं इसी तरीके से उगाते हो आप सर्दी में। ये देखो दोस्तों, क्या करें, हमें भी कुछ नया देखने को मिला, इसलिए सोचा आप लोगों को दिखाएं। ये भैया बता रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इनके वायर लगाए हुए, तार लगाए हुए, तो इनके अंदर से उधर से जा सकते हैं गेट में, इधर से जा नहीं सकते। देखो इसमें खाद पानी कैसे डालोगे भैया, फिर कैसे, एक बार दिखाओगे? ये हमारा हरियाणा, गिर तो नहीं जाऊं मैं इधर से? अच्छा, ये पाइप लगा रखा है इसके अंदर, पाइप से फिर इसके अंदर टपके टपके पानी गिरता है, बेड के अंदर। अच्छा, इसी के अंदर इसी से जाता रहता, फिर बाहर पानी आ जाएगा तब पता लग जाए, ज्यादा पानी होगा उसको बेड के और। अच्छा, और फ्लो हो जाता है जब। ये किस चीज का बीज है? अभी देखिए, खरबूजा दिखाओ, खरबूजे के बीज भिगो रखे हैं, देखो भिगो के जल्दी पकड़ेंगे, फूल रखे हैं। अच्छा, इसके वो जो होते हैं, हां मतलब जैसे इसको पानी में गिला के पहले एक बार भिगो दिया होगा, 24 घंटे पानी में भिगो के इसका, तो ये फिर इसको दबाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, दबाने के बाद ये गूंदा निकल आता है इसका, इसमें जल्दी पौधा शुरू हो जाता है, और ये मिट्टी को जल्दी पकड़ लेता है। हां, स्प्राउट जैसे होते हैं ऐसे बना रखे हैं इनको बिल्कुल। साइड में ये तो खीरा करेला, ऊपर ये था कितना हुआ क्या खरबूजा। अच्छा, और उधर फिर 4 किलो तरबूज है, तरबूज। हाँ, एक किलो में शिमला मिर्च, ये ऊपर से भी रख रखी गई जगह, तो हाँ सारा ढक है, ठंड होगी ना। अच्छा, अब जैसे मौसम चेंज होगा तो अब ये जो बड़ा बड़ा जगह नहीं, फिरने को ऊपर लग जाएगा, जैसे इसके ऊपर लगा रहा ना। अच्छा, बड़े हो जाएंगे फिर ये अपन नहीं उतार देंगे, फिर ये ठंडा भी जान दे रहोगे। हाँ, कम मजबूत हो जाए, कुछ ठंड कम हो जाएगी फिर। तो अभी तो निवास कर रहा है ये, हमने लगभग 6-7 साल से लगाता था। अच्छा, ऐसे ही उगाते हो, मतलब कितनी किसकी वो हो जाएगा जैसे, ये तो भी क्या मालूम है, तो लगने पे बात है। रेट पर भी बात है, लगने पर भी। हाँ, रेट ज्यादा निकलता है तो नहीं, ये पन्नी है इसका, पन्नी ऊपर पानी गिरेगा साइड में, नीचे खाली धरती में जाएगा, इसमें जो बीच में है सीलन भी रही रहती है उससे। है किस शेप वो पौधे? ये सब्जी है, ये सब्जियां बेटे, खरबूजे हैं और फ्रूट है जैसे तरबूज, खरबूज है और। ओहो, बढ़िया बढ़िया, अगली बार हम अंकल आएंगे ना तब आप हमको तरबूज देना। देवान जी हो गए चालू, कब तक तैयार हो जाएंगे भैया, ये कौन से महीने में? अच्छा, वो मई में, मई में सारे तैयार हो, आधा में लगभग शुरू हो जाएगा। अच्छा, सब्जियां अगले महीने तक चालू हो जाएगी। चलो, सारो हो गया, आंसू हो गया। अच्छा, बड़ी बड़ी सब्जी मंडियों में भेज देते हैं पठानकोट तक। अच्छा, पठानकोट भी भेज देते हो? उधर के भाव ऊंचा है ना, इधर नीचा है। हाँ, वहाँ कम होती है ना ये चीजें, यहाँ से होते हैं, उधर तक कम भी बेचता है ना। हाँ, ज्यादा लगता है। हाँ, ये तो ज्यादा फर्म है इसलिए बेच देता है ना। तो इसमें 4-5 महीने लगेंगे आपको तैयार करने। हाँ, मेहनत तो बहुत है, तो लगभग। क्या नाम है भैया आपका? सुशील। सुशील, यहाँ कौन सा गाँव है ये? मखंड। मखंड से आप है? ये सारी बहने मतलब इनको कैसे लगाते हो आप? वैसे दिहाड़ी पे ला रखे हैं, डेली बेसिस। एक मैं उसको बहन जी को कितनी किराया वो देते हो? ये 300 रुपया। अच्छा, पर डे शाम तक? अच्छा, शाम के मतलब 3-4 बजे तक रहेंगे? हाँ, ये रहेंगे 6 बजे तक। 6 बजे तक, 8:30 से। अच्छा, हाँ, करके खाना है। सही बात है, नहीं भी बहुत अच्छा काम है, और किसान का तो ऐसा कि किसान ना करे तो भूखा ही मर जाए देश, किसानी तो जरूरी है। खाद वगैरह ज्यादा तो नहीं डालते इसमें? नहीं नहीं, खाद वो अपनी गोबर की जो होती है वही डालते हैं वो, है ना, एक केमिकल होता है। अच्छा, जिसे कीड़ा वीड़ा ना लगे। हैं ये अपने देसी नहीं है? अच्छा, बाहर की सब्जी। अच्छा, बाहर की, ज्यादा खर्चा हो गया, डक डुक के। हाँ, ज्यादा टाइम लगे, मेहनत भी, खर्चा भी, मेहनत भी, सारी चीजें ज्यादा लगती वो कर दी उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बस भाई, बनभौरी माता के दर्शन करने जा रहे थे तो हमें कुछ अलग दिखा, इसलिए मैंने कहा रोक लेते हैं गाड़ी। तब
वापसी बन पर दुख ना होगे माल लगा हुआ मिलेगा तुम मिले जरूर बता भी देना अगर निगरानी में नहीं रहे ना हाँ बता भी देना हमारे हम व्लॉगिंग करते हैं वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे कुछ नया मिलता है तो उसको डाल देते हैं ठीक आपकी जो रिव्यू जो है हाँ हमारे लोगों को पता लगेगा जाने का भी बड़े हरियाणा में जितने भी लोग हाँ ऐसी चीजें जैसे अलग अलग तरीके से होती है ना खेती जैसे ये तो सबको ही पता है हमारे इधर भी होती है तो सब्जियां बोते हैं खेत में सब कुछ करते हैं लेकिन ये चीजें जो कुछ अलग होता है तो ये लगता है ना पता होना चाहिए ना हमारे हरियाणा में क्या क्या चल रहा है अलग अलग चीजें ये देखो ऐसे उगा रखी है दोस्तों सब्जियां ये बाहर की है मतलब पठानकोट वगैरह बेचते हैं ये अपने हरियाणा की नहीं है मतलब देश की नहीं है बाहर विदेशी सब्जियां हैं हाँ पैसे लिए के लिए खेती करते हैं अलग अलग तरीके की जैसे गेहूं चने धान सब चीजें उगाते हैं ऐसे ये भी हेलो एवरीवन ये आ गए हैं सारे ये बहने खेत में जिसकी वजह से हम सब्जी खा पाते हैं ये वो है किसान इसमें बीज रहे हैं हाँ वो बीज है ना खरबूजे के हाँ एक बार मेरे हाथ पे रखो मूंग वगैरह चने वगैरह वैसे एक एक बीज लगाते हो बहुत मेहनत कमर में दर्द होने लग जाता होगा पूरा दिन है ना सही में और फिर घर पे भी जाके हाँ फिर घर पे भी जाके काम करना ही होता है औरत को तो चाहे कितना ही बड़ी नौकरी करो चाहे बाहर काम करो घर पे जाके भी सब्जी रोटी हाँ सब कुछ करना ही पड़ता है सारा काम करके देखो उनको बताओ बच्चों को कि 8 बजे यहाँ जाते हैं वो आए थे यहाँ बनभोरी माता पे दर्शन करने एक फंक्शन है हमारे फंक्शन में जाएंगे तो पूजन है मेरी ननंद के यहाँ पे ना तो वहाँ जाएंगे उस वजह से हमने यहीं जींद में ही है ये पिल्लू खेड़ा मंडी हाँ तो इधर से हमारी मानता है माता की तो मैंने कहा पहले दर्शन करके फिर जाते हुए चले जाएंगे फिर वापस अपने घर चलो बहुत बहुत जो पानी देते हैं जिसे इसके ऊपर लगा रखा है ढक्कन ढक्कन हटा के पानी डालते हैं थोड़ा 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 पानी डालते रहते हैं जब इसमें पानी भर जाता है तो साइडों में पानी निकल जाता है और फिर पता चल जाता है कि इसमें पानी अब और नहीं देना है पूरा हो चुका है ये हर लाइन में ये पाइप ऐसे लगा रखे हैं इन्होंने और ये पेड़ थोड़े कुछ बड़े बड़े भी हो गए हैं ये खीरा है अच्छा ये बड़ा बड़ा हो जाएगा हाँ ये पहले उग गए हैं जो पहले लगाए होंगे ना बीज हाँ पहले लगाया था उसमें फिर ये कवर इसके अंदर पाइप हाँ ये पानी का जो मेन पाइप है इनका इससे आता है पानी धीरे धीरे करके सब पाइपों में चला जाता है ना सुशील बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए हम आ चुके हैं माता के दरबार में बनभोरी माता हमारे मानता है हमारी कुल देवी है उधर देखिए भाई नीचे जब जूते चप्पल निकाल के और चल रहे हम तो हम पहुंच चुके हैं इस बार बहुत ज्यादा मतलब काफी भीड़ है पिछली बार इतनी भीड़ नहीं थी और ये सामने ही धर्मशाला है हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर घुस चुके हैं काफी बड़ा हॉल है ये वहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं सब यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं तो इसलिए हाँ यहाँ पे मन्नत के लिए धागे बांधते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तब खोल देते हैं एक धागा भीड़ है ना काफी तो इसलिए अभी हम वेट कर रहे हैं
बहुत ज्यादा हो रही है। ये गौशाला ब्रेसलेट देख रहे हैं। ये तो मैंने लिया है पेंसिल, ये कांच वाली पेंसिल, ऐसे ही मेरे को मन कर गया। और ये इन्होंने लेजर लाइट लिया और ब्रेसलेट, हाँ ब्रेसलेट लिया है वो। ये नोनी जी को वो पसंद आ रही थी, वो गोली, वो छोटी छोटी गोली वाली। ये देखो ये तिजोरी, अलमारी की चाबी ना निजी के लिए रखे, इसके पैसे छोड़ते ही नहीं है। जब भी खरीद लेते हो जिसको बोल जाए ना नेके गुल्लक में तो पैसे निकाल लो। ओ पब्लिक वो रहा है। ये देखो ये मम्मी पापा पकड़ पकड़ के खींच रहे, नहीं नहीं नहीं, फिर भी जबरदस्ती जा रहा है। ब्यूटीफुल हार्ट्स, अच्छे अच्छे सारे। ये वो होते हैं ना जो वो क्या बोलते हैं उसको, ये देखो। ये वाले फोन, इसमें दो या तीन गाने बजते हैं कुल मिला के। और ये हमने लिए है ना, अभी भी चले, उन्होंने ने भी लिया। हाँ उन्होंने भी लिया था, मतलब हम तीनों ने ही लिए थे। ये सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये वाले उतने क्यूट नहीं लग रहे, पर ये वाले बहुत क्यूट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो अब हम वापस बैठ रहे हैं अपनी दन्नों में। ये रहा वो, देखो दोस्तों सुंदर ब्रेसलेट, हाँ दिख रहा है ना, देखो।